आपका स्वागत है। दिल्ली की रहने वाली लीना शर्मा की गुमशुदगी का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। करोड़ों के प्रॉपर्टी विवाद में लीना को उसके मामा ने ही मौत के घाट उतारा और उसके बाद उसके शव को जमीन में गाड़ दिया। प्रॉपर्टी को लेकर लीना बीते 28 अप्रैल को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद गई थी, जहां पर उसकी जमीन है, लेकिन होशंगाबाद पहुंचने के बाद से ही वो लापता हो गई। 5 मई को उसकी गुमशुदगी का मामला उसके मामा ने ही दर्ज करवाया था। पुलिस की जांच में लीना के मामा ने के नौकरों ने यह राज खोल दिया कि लीना को उसके मामा ने ही मार डाला है और उसके शव को जंगल में दफना दिया गया। इसके बाद पुलिस लीना के मामा को लेकर उस जंगल में पहुंची और लीना के शव को बरामद कर लिया गया। पुलिस ने लीना के मामा और उसके दो नौकरों को गिरफ्तार कर लिया है। लीना शर्मा के उसके मामा प्रदीप शर्मा और उसके दो नौकर, इन लोगों ने इसकी हत्या तीनों ने मिलकर के की है और यहाँ जंगल में वहां से 5-6 किलोमीटर जंगल में लाकर उसको जमीन पर गाड़ दिए थे, जिनकी निशादेही पर इनको मृतका की लाश को बरामद किया गया है और अग्रिम कार्रवाई इस संबंध में। तो पुलिस को फरार